बीजेपी के पास कोई एजेंडा है क्या? बुनियादी समस्या जो है महंगाई बेरोजगारी, उस पर उसकी सरकार है, कोई वास्ता है? कभी उन्होंने लेकर महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट कराया, उसके लिए संवेदनशील हुआ? आज किस स्थिति में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है? नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच इस तरीके से विवाद लगातार चल रहा था, उसको लेकर लगातार जो है बीजेपी जेडीयू पे हमलावर, वहीं ये कह रही है कि जेडीयू के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और पार्टी कहीं ना कहीं टूट रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू में कोई टूट नहीं है, वहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाजपा जो है केवल भ्रम फैलाने वाली बात करती है, पहले वो अपने गिरवान में जाके अपने घर को संभाले। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस वीडियो में। कहीं नाराजगी किसी भी, हमारे जो घटक दल है महागठबंधन एकजुट है, एक साथ हो, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो। कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने की स्थिति में बेरोजगारी लगे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा है क्या? बुनियादी समस्या जो है महंगाई बेरोजगारी, उस पर उसकी सरकार है, कोई वास्ता है? कभी उन्होंने लेकर महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट कराया, उसके लिए संवेदनशील हुआ? आज किस स्थिति में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का उन्होंने काम किया? कोई एजेंडा ही नहीं, बस एक एजेंडा है अपनी राजनीतिक सकने का, कैसे अपने राजनीति में बने रहे, एक काम है सिर्फ बीजेपी का। देखिए बिहार जो है पहला राज्य है जो गणतंत्र पूरे संसार को दिया, ये जो है सत्याग्रह की धरती है, ये जो है संपूर्ण क्रांति की धरती है, यहीं से आकार मिला। निश्चित रूप से आप लोग देखते रहिए ना, बेचैन क्यों है भाजपा वाले, हताश क्यों है, पता है उनको 24 में क्या होने वाला है? आप लोग इंतजार करें, 24 में रिजल्ट मिलेगा, जनता सब चीज जान चुकी है, जनता उनका खेला को समझ चुका है। जेडीयू में टूट की बात कही जा रही है, हंसी आती है जेडीयू में टूट की। अब इसके पहले भी बहुत बात उठाई गई, आपने देखा है? अब शुरू से जब जेडीयू का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए ना कि बड़े बड़े लीडर जो कहते थे कि हमारे साथ जेडीयू के इतने बड़े विधायक, इतने साथ हैं, इतने एमपी हमारे साथ हैं, गए तो किनके साथ लेके गए? कोई गए किसी? आप लोग भी देखे कि भारत किस तरह से फैलाया जा रहा था। अभी तो माननीय रामेश्वर महतो जी हैं आपके बीच में बैठे, इनके बारे में किस तरह से भारत फैलाया गया आपके बीच में? इन्होंने कहा है अपने अपने शब्दों में कहा कि इनकी निष्ठा नीतीश जी के साथ। क्यों बेचैन कहा है वो लोग? बेचैन जो कहते हैं, दावा ठोकते हैं, वो अपना संभाले, वो अपना घर देखे। थैंक्स। तो आपने सुना जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि कोई जो है जेडीयू और कोई भी बिहार में अफसर स्टेट हावी नहीं है। जिस तरीके से सवाल किया गया था कि बिहार में क्या लग रहा है कि अफसर स्टेट हावी है, अफसर जो है बिहार को चला, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, नेतृत्व तो जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, वहीं जो भ्रम फैलाने वाली बात है वो भाजपा करती है, भाजपा पहले अपने गिरवान में नहीं जागते हैं। उन्हें कहा कि आज रामेश्वर महतो जो MLC हैं उनके बारे में भी भ्रम फैलाया गया था, लेकिन वो उनके बगल में बैठे और नीतीश कुमार से बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 24 और 25 में समझ में आ जाएगी भाजपा को भ्रम फैलाने की राजनीति करती है और उनके पास कोई एजेंडा और कोई मुद्दा नहीं है, महागठबंधन जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।